हजार 23 की, और यहाँ पर मैसी का जो है इंजन है इसमें मिलते हैं, दोनों पंप जो एक ही कर दिया है इस ट्रैक्टर में। अब इसमें आपको 24 स्पीड मिलता है, तो व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव का यहाँ पर आपको पीटीओ मिलती है, आपको इस ट्रैक्टर में जो है डबल डिस्क। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन मीना द फार्मिंग लाइफ में। और आज हम बात करने वाले मैसी फर्गूसन 254 DI, जो कि डायनाट्रिक सीरीज ट्रैक्टर है, 2023 की ये सीरीज़ है, डायनाट्रिक सीरीज़ फोर व्हील ड्राइव ये ट्रैक्टर है, देख सकते हो। इसका जो फ्रंट टायर है, इसका साइज़ है आपको 8-18 का फ्रंट टायर का साइज मिलता है। और वहीं बात करते हैं इसकी एक्सल की, तो आपको जो है अच्छा हैवी ड्यूटी एक्सल मिल जाता है, पूरा कवरेबल मिलता है, जो कि मिट्टी वगैरह पानी वगैरह अंदर ना घुसे इसमें कीचड़ वगैरह में। और यहाँ आपको जो है पावर स्टेयरिंग मिल जाती है, डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग इस ट्रैक्टर में मिलती है। और अब फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट में बढ़िया सा जो है आपको दो हेलोजन हेडलाइट्स मिलते हैं, और यहाँ पर मैसी का लोगो मिल जाता है, और बढ़िया सी जाली देखने को मिलती है, जो कि पूरी कवर है जाली, जो कि यहाँ पर आपको रेडिएटर के थ्रू इंजन तक अच्छी ठंडी हवा पहुँचाने के लिए बढ़िया है। और अब इस साइड की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो है इसमें आपको सैमसन का इंजन मिलता है, मेड इन इंडिया का जो है इंजन है इसमें, जो कि चेन्नई में बनता है। और बॉस कंपनी का इनलाइन पंप मिलता है 3 सिलेंडर के साथ। और बात करें तो ये ट्रैक्टर जो है 50 HP का ट्रैक्टर है, और इंजन सीसी की बात करें तो 3300 CC का इसका इंजन है, और RPM आपको 2700 RPM ये ट्रैक्टर प्रोड्यूस करता है। और उसके नीचे आपको जो है टेंडन पंप मिलते हैं, दोनों पंप जो देख सकते हो आप, टेंडन पंप मिलता है इसमें। और यहाँ पर मिल जाता है आपको जो है ऑयल फिल्टर और वाटर सेपरेटर जो है एक ही कर दिया है इस ट्रैक्टर में अब, जो कि 300 सर्विसिंग पे चेंज हो जाता है। इस साइड एक साइलेंसर मिलता है, बढ़िया सा साइलेंसर है, यहाँ से कवरेबल कर दिया है, हाथ वगैरह ना जले, और पूरी जाली से कवर किया हुआ है, देख सकते हो अच्छे से। और यहाँ पर आपको जो है हाइड्रोलिक फिल्टर मिलता है एक, और यहाँ पर आपको स्टार्टर मिल जाती है, स्टार्टर मोटर बढ़िया सी। और यहाँ बात करते हैं इसके ट्रांसमिशंस के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में जो है आपको कॉन्स्टेंट मैच टाइप का गेयर बॉक्स मिलता है, जो कि फुली कॉन्स्टेंट मैच गेयर बॉक्स टाइप में मिलता है इस ट्रैक्टर में। और क्लच की बात करें तो ये ट्रैक्टर जो है डुअल डायफ्राम क्लच के साथ आता है, आपको इसकी अलग से क्लच नहीं मिलेगी, डबल क्लच में ये ट्रैक्टर नहीं है, डुअल क्लच में ये ट्रैक्टर की क्लच मिलती है आपको। बिल्कुल प्लेन सपाट प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और ऊपर से बैठ कर लुक देखते हैं इस ट्रैक्टर में किस तरह से आता है, तो कुछ इस तरह से जो है ऊपर से बैठने में इसका लुक आता है। और ख़ास बात यह है कि इस ट्रैक्टर में ये देख सकते हो आप, सुपर इस ट्रैक्टर में आपको जो है सुपर सटल स्लिप गियर मिलता है, जिसमें आपको टोटल 24 गियर स्पीड मिलती है, 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर स्पीड इस ट्रैक्टर में मिलती है। स्टेयरिंग की बात करें तो पावर स्टेयरिंग आती है, जो कि डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग में आता है ये ट्रैक्टर, यहाँ पर आपको हैंड रेस मिल जाती है। डेस्कटॉप की बात करें तो आपको सादा सा सिंपल सा डेस्कटॉप मिलता है, और यहाँ पर नीचे आपको जो है चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जिसमें आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। और ब्रेक की बात करें तो इस ट्रैक्टर में जो है ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और तो क्लच जो है आपको मैंने बता दी है डुअल क्लच में आता है ये, डबल क्लच में नहीं आता है। और इस साइड बात करें तो लिफ्ट के लिए यहाँ पर आपको जो है लिफ्ट के पोजीशन और ड्राफ्ट लीवर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही स्मूथ है, और 1, 2, 3, 4 गियर के साथ ये ट्रैक्टर आता है, और हाई लो मीडियम में आता है। जिस सुपर सटल शिफ्ट के साथ डालते हो, इसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर स्पीड मिल जाती है। और सीट की बात करें तो एडजस्टेबल सीट है, इसके थ्रू आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो, कुछ इस तरह से आगे पीछे कर सकते हो। और ख़ास बात यह है कि इस ट्रैक्टर की जो है आप लिफ्ट जो है ऊपर नीचे करने की जो है स्पीड इससे कम ज़्यादा कर सकते हो, कुछ इस तरह से जो है आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, जिसकी लिफ्ट की स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। और इस साइड जो है आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक मिलता है, कुछ इस तरह से जो है आप इसका हैंड ब्रेक लगा सकते हो। और यहाँ लेफ्ट साइड में जो है आपको टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव का गियर दिया है, तो कुछ इस तरह से जो है आप उसको टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो है PTO की बात करूँ तो टोटल 4 तरीके की PTO मिलती है, LPTO, GSPTO, MSPTO, और यहाँ पर आपको जो है PTO का गियर मिलता है, जिसमें आप आगे पीछे कर सकते हो। तो कुछ ये थी इस ट्रैक्टर में ऊपर से खास जानकारी। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक की, हाइड्रोलिक्स की बात करें तो पीछे आपको इस ट्रैक्टर में जो है डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, और एक ऑक्सिलरी लीवर मिल जाता है, यहाँ से आप जो है ट्रॉली को और मल्टीप्लाउ वगैरह को जो है यहाँ से कर सकते हो कंट्रोल। और लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में जो है आपको 2050 kg की जो है लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है, 3 सेंसिंग पॉइंट में ये ट्रैक्टर आता है, टॉपलिंग के लिए 3 सेंसिंग पॉइंट दिए हैं,
और यहाँ पर आपकी पीटीयू एचपी की बात करें तो स्ट्रक्चर में जो है आपको 45 एचपी की पीटीयू पावर मिलती है। बाकी पीछे से और कुछ चेंजेस तो नहीं है। यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रिक सॉकेट दिया है पीछे लाइट ले जाने के लिए, और यहाँ पर आपको आपके लिए टूल बॉक्स दिया है, यहाँ से आप इसको इस तरह से जो है ओपन कर सकते हो। और ऊपर एक रिफ्लेक्टर दिया है, और साइड में आपको जो है बोतल वगैरह कैरी करने के लिए यहाँ पर एक अलग से बॉक्स दिया है। और पीछे इंडिकेटर्स दिए हैं, कुछ लाइट्स दिए हैं, हेलोजन लाइट दिया है एक पीछे लाइट के लिए। तो पीछे से देखने में भी बहुत बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया फीचर्स इसमें दिए हैं, डबल स्टूटर में आता है। तो किसान भाइयों, ये थी कुछ इस ट्रैक्टर की पीछे से खास जानकारी। अब बात करते हैं इसके टायर्स की। तो इस ट्रैक्टर में जो है आपको रियर टायर 13/6/28 में और 14/9/28 में दोनों ऑप्शन में मिलते हैं। और फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर आपको 8/18 में और 9/50/24 में मिलते हैं। और बाकी तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के हम टोटल वेट और व्हील बेस की बात करें तो टोटल वेट इस ट्रैक्टर में जो है आपको 2190 kg का जो है इस ट्रैक्टर में टोटल वेट मिलता है। और व्हील बेस की बात करें तो 2040 mm का व्हील बेस मिलता है। और ओवरऑल लेंथ जो है इस ट्रैक्टर की 1730 ओवरऑल लेंथ है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 400 mm का आपको जो है इस ट्रैक्टर में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बहुत ही बढ़िया पैरदान दिया है ऊपर चढ़ने के लिए। और ये है दोस्तों 2-व्हील ड्राइव 4-व्हील ड्राइव का गियर। तो कुछ ये थी खास जानकारी इस ट्रैक्टर के बारे में किसान भाइयों। अब इस ट्रैक्टर की प्राइस की बात करें तो एक्सोरूम प्राइस जो है इसकी 8,40,000 से लेके 8,90,000 इसकी जो है एक्सोरूम प्राइस है। और फिल्टर की बात करें तो 3-स्टेज ऑयल वाइट टाइप का जो है इसमें एयर फिल्टर मिलता है, सामने एक बम्पर भी मिल जाता है। और बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है किसान भाई, ये डायनाट्रिक सीरीज़ में आता है, 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, 254 DI मैसी फर्गूसन है, सिम्पसन का इसमें इंजन आता है और बॉस कंपनी का इनलाइन पंप मिलता है, टेंडेंट पंप के साथ आता है, और वाटर सेपरेटर और ऑयल फिल्टर आपको एक ही दे दिया है जो कि 3 सर्विसिंग पे चेंज हो जाता है। इसमें कॉन्स्टेंट में टाइप का जो है गेयर बॉक्स मिलता है जिसमें शटल सब के साथ 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गेयर स्पीड आपको मिलती है। और कूलिंग की बात करें तो वाटर कूल्ड मिलता है इस सिस्टम में, इस ट्रैक्टर में, ये देख सकते हो इसके लिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया है। तो किसान भाई, ये थी कुछ खास जानकारी इस ट्रैक्टर की। और अब बात करते हैं इसके फॉरवर्ड स्पीड और रिवर्स स्पीड की। फॉरवर्ड स्पीड आपको 35 से लेके 38 किलोमीटर पर आवर की जो है आपको इसकी फॉरवर्ड स्पीड मिल जाएगी। और किसान भाइयों, ये थी इस ट्रैक्टर में कुछ खास जानकारी, बाकी तो और कुछ नहीं है। 50 HP में ये ट्रैक्टर है और बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है, मैसी फर्गूसन 254 DI। बहुत से लोग इसको इस टाइम पर अभी पसंद कर रहे हैं लेना। और सबसे खास बात, ये शटल वो साइड गियर के साथ आता है जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्मूथ है चलाने में। और बाकी टायर मैंने जैसे आपको बता दिया है कि 13/6/28 में और 14/9/28 में आते हैं ऑप्शन लिए। और हम आए थे ये श्री हरि ट्रैक्टर्स टैफे जो कि अब्दुल लगन मंडी दीप में स्थित है, यहाँ पर हम आए थे इस ट्रैक्टर की जानकारी लेने के लिए। तो किसान भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए, आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।